हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है और मैथ्स की तीन क्लास अपन ले चुके हैं। आज आपकी चौथी क्लास है। आज अब हम आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का आखिरी पार्ट जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो सीखेंगे अपन, ठीक है। जिसमें हमारी एक्सरसाइज 6.4 आधारित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और काफ़ी काम आएगा आपके 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, जिससे आप स्क्वायर रूट्स निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आइए अपन इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपन आज सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे मैं बात कहूँ 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 7 7 49, और 49 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का ऑप्शंस होता है, इसका आंसर होता है 7, ठीक है। ये चीज़ अपन को पता है। मैंने कहा था ये स्क्वायर रूट निकालने के तीन तरीके होते हैं, ठीक है। पहला था प्राइम फैक्टराइजेशन, जो अपन सीख चुके पिछली क्लास में। दूसरा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, वो और भी पहले सीख चुके। और तीसरा होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। और ये सबसे अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपके आगे काफ़ी काम आने वाला पार्ट है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे अपन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में तो क्या करते थे, अपन फैक्टर्स निकाल लेते हैं और जो फैक्टर्स आते हैं उनके दो दो की पेयरिंग कर देते थे, ठीक है। जैसे 2 × 2 × 3 × 3 आ गया तो पेयर बना दिया, ठीक है। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा अलग है, ये डिवाइड जैसा कोई मेथड है, तो ये अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मैं इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती है, तो मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाऊंगा। हर स्टेप को आप क्लियरली समझना और उन स्टेप से हर बार सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे 500, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 529, जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखो, सबसे पहले तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पर अपन इसको नंबर को लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नंबर लिखेंगे और जिसकी टेबल बोले स्क्वायर्स टेबल बोलेंगे वो यहाँ पे, और जितनी बार बोलेंगे वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है इसमें, पीछे से आप दो दो नंबर्स के पेयर्स बनाओ और उनके ऊपर एक बार लगा दो। 29 एक पेयर है तो इसके ऊपर एक बार लगा दिया, और लास्ट में अगर एक नंबर बच जाए तो वो अकेला ही पेयर में हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास है 6 4 3 2 9, ठीक है, तो आप पीछे से बनाओगे तो ये एक पेयर बन गया, फिर ये एक पेयर बन गया, और ये अकेला रह गया तो ये अकेला रह जाएगा। मान लो यहाँ पे 4 होता तो 4 के साथ फिर पेयर बन जाता है। तो पीछे से दो दो की पेयरिंग बनाओगे, या तो सारे नंबर पेयर बन जाएंगे, या लास्ट में एक नंबर अकेला रह जाएगा तो उसको अकेले को एक पेयर मान लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो अपन ने पहला स्टेप क्या है, जब भी आए तो आप ऐसे लिखो नंबर को और पीछे से दो दो की पेयरिंग कर दो, ठीक है। तो 29 का एक पेयर बन गया और 5 का अकेला एक पेयर बन गया, क्योंकि 5 के पास कोई और नंबर नहीं है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, स्क्वायर की टेबल लिखेंगे कि ऐसा स्क्वायर लिखो जो या तो 5 आ जाए या फिर 5 से छोटा आ जाए। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 5 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 1 4 5 से छोटा है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये 5 से बड़ा हो गया। तो डिवाइड किससे करेंगे अपन, 2 के स्क्वायर से। तो अपन लिखेंगे 2 2 ज़ा 4। स्क्वायर में चीज़ दो बार मल्टीप्लाई होती है ना, जैसे 2 × 2, तो एक 2 यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ध्यान रखना, कोई भी नंबर नहीं लेना, एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना, या तो ये आ जाए इससे कम आ जाए, यानी स्क्वायर नंबर यूज़ करने हैं। तो 2 2 ज़ा 4, अब क्या कर देंगे अपन, माइनस, जैसे सेपरेट डिवीजन में करते हैं अपन, तो 5 में से 4 चला जाएगा 1। अब देखो, डिवाइड में क्या करते थे, एक नंबर को उतार देते, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं उतरेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड में पूरा का पूरा पेयर एक साथ उतरता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 129 उतर जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अगली बार अब किसकी टेबल बोलें, किससे डिवाइड करें, किसी स्क्वायर से, तो क्या करना है, इस नंबर में इस नंबर को जोड़ देना है। 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। तो अगला डिवाइड किससे चालू होगा, 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। इस चीज़ को इसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, प्लस कर देना है। प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या है, अब सेकंड स्टेप से क्या चीज़ होती है, ध्यान से देखेंगे सभी। मुझे 4 के आगे कोई नंबर रखना है और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है पूरे नंबर को, ताकि या तो मेरा 129 आ जाए पूरा, या फिर 129 से कम आ जाए अगर पूरा नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो मैं सबसे छोटा नंबर क्या रख सकता हूँ यहाँ पे, 1। तो फिर मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना, 4 के जब जैसे ही अपन सेकंड बार डिवाइड करने आएंगे तो यहाँ पे एक नंबर आ चुका होगा इसमें से, इसके प्लस होके, तो हमें उसके आगे एक नंबर लिखना है, ठीक है, और उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 41।
तो 41 तो 129 से छोटा है, तो फिर मैं आगे 1 की जगह क्या रखता हूँ, 2, और फिर मल्टीप्लाई उसी से करना है, ध्यान रखना जो आगे नंबर लिखोगे उसी से इंटू करना है। तो 42 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 22 जा 4, 24 जा 8, ठीक है। अब मैं चलो अगला नंबर ले लेता हूँ, 43, मतलब 4 के आगे क्या रखता हूँ, 3, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, ध्यान रखना जो आगे नंबर लिखेंगे उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पे गलतियाँ होंगी आपसे काफ़ी। तो 3 जा 9 और 3 जा 12, हाँ तो 129 आ गया अपना, यानी 4 के आगे 3 रख के 3 से मल्टीप्लाई करें तो 129 आ रहा है। अगर 129 से कम आएगा तो उतना ले लेंगे अपन, और माइनस करने के बाद रिमाइंडर बच जाएगा, लेकिन अभी पूरा पूरा आ रहा है। तो यहाँ पे आके लिखेंगे 3, तो ये वाला 3 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये वाला जो 3 है वो यहाँ पे आएगा, 43 × 3, ध्यान रखना। तो ये कितना आ गया, 129, तो माइनस किया तो क्या हो गया, कट गया, ठीक है कट गया। अब मैं इस रफ वर्क को एक बार मिटा दूँ, ये रफ वर्क था आपका पूरा, तो 43 को 3 से किया तो 129 आ गया, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये आंसर हो गया, तो 529 का रूट क्या होता है, 23, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत कम टाइम लगता है, अगर आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लो ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तो बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और करके बता दूँ, चलिए तो मैं एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। देखो आपको लॉन्ग डिवीजन से 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, 2304। तो पहले सबसे पहले वही काम करेंगे, ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे आएगा 2304, फिर सेकंड स्टेप क्या था, पीछे से पेयर बनाएंगे, तो 04 का एक पेयर बन गया और 3 और 2 का पेयर, यानी 23 एक पेयर बन गया, 04 एक पेयर बन गया, ठीक है। अब अपन लेंगे स्क्वायर की टेबल, यानी 1 का स्क्वायर 1 तो 23 से छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 23 से छोटा है, 3 का स्क्वायर 9 छोटा है, 4 का स्क्वायर 16 अभी भी छोटा है, 5 का स्क्वायर 25 ये बड़ा हो गया। अब 23 आना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए, तो अपन कौन सा लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे, यानी 4 × 4 = 16, ठीक है, 23 से कम आ गया, जस्ट कम। अपन ये 3 का स्क्वायर ये नहीं लेंगे क्योंकि 4 आ रहा है, सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर लेना है जो या तो ये आ जाए या इससे कम आ जाए, तो 4 × 4 से कितना हो गया, 16। अब करेंगे माइनस, तो 23 में 16 माइनस करेंगे आ जाएगा 7, और फिर इसको एज इट इज़ पूरा का पूरा पेयर, ध्यान रखना एक डिजिट नहीं उतरेगा, पूरा का पूरा पेयर एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब तो अब अगला डिवाइड किससे करेंगे, तो 4 में 4 को प्लस कर देंगे, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। अब वही तरीका, 8 के आगे क्या लगाएंगे, 8 के आगे लगा के देखें 1, तो 1 = 81 आ गया। अगर 2 लगा के देखूँ तो 82 × 2 करना पड़ेगा, 2 लगाऊंगा तो 2 से इंटू करना, 2 × 4 = 16, देखो 164 ही आया है, हमें 700 तक चाहिए, तो अगर मैं 83 × 3 भी करूँगा तो भी थोड़ा सा बढ़ेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, ठीक है। अब देखो मैं 8 के आगे थोड़ा और बड़ा नंबर लगाऊँ, 6 लगाता हूँ, 8 के आगे 6 लगाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा नंबर चाहिए तो 1, 2 में काम ही नहीं चलेगा, तो 6 × 6 = 36 और 6 × 8 = 48, 51, 516 ही पहुँचा है, और मुझे 704 चाहिए तो और बढ़ाऊँ, 8 के आगे मान लो मैं 8 रखता हूँ, देखो 8 के आगे मैंने 8 रखा और 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 8 × 8 = 64, ऊपर वाला मिटा देता हूँ एक बार, 8 × 8 = 64 और 8 × 8 = 64, फिर 64 और 6 = 70, ये आ गया 704, यानी 8 के आगे 8 रख के 8 से मल्टीप्लाई किया तो 704 आ गया, यानी 8 के आगे 8 रख के किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 88 × 8 = तो कितना आ गया, 704, तो ये आपका कट गया पूरा, माइनस होने के बाद क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यानी 2304 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 48, यानी 2304 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 48, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 6.4 के, उसमें 3 डिजिट वाले क्वेश्चन है और 4 डिजिट वाले क्वेश्चन है, 4 वाला भी मैंने एक कर दिया, 3 वाला भी एक कर दिया, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि डेसिमल नंबर, अगर कोई पॉइंट वाला नंबर हो तो उनका लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हल्का सा अलग है, बाकी मेथड पूरा का पूरा वही है, तो उसको बात करते हैं। देखो तो मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट ले लिया है, डेसिमल नंबर है, या फिर मैंने आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लिया है, शायद क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है ये, ठीक है, तो डेसिमल नंबर है और अपन को इसका लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहला काम तो वही होगा जो अपन ने किया था, 2.56 लिख देंगे। बस यहाँ पे पेयरिंग अलग तरीके से होगी, देखो पेयरिंग कैसे होगी,
ये जो पॉइंट है इससे इधर की तरफ पेयर करते जाना है और इससे इधर की तरफ अलग पेयर करना है। तो पॉइंट के बाद तो ऐसे सीधा पेयर करना है और पॉइंट के पहले उल्टा पेयर करना है जैसे इसमें कर रहे थे नॉर्मल क्वेश्चन में। तो पॉइंट के बाद ये एक पेयर हो गया और इससे पहले ये अकेला ही, तो ये पेयर हो गया। मान लो आपके पास क्वेश्चन आता 3 4 3.2 9 6 4, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसकी पेयरिंग कैसे करोगे? आप पीछे से नहीं करोगे, अब ध्यान रखना, कैसे करोगे? इस पॉइंट से करोगे, इस पॉइंट से इधर एक पेयर सीधा करते हुए जाना है और इधर ये पेयर और ये अकेला रह गया। मान लो आपके पास आता 2 5.693, ठीक है, इसकी पेयरिंग कैसे करते हो? पॉइंट से चालू हो गए इधर की तरफ, ये पेयर, ये अकेला रह गया तो इसमें क्या लगाएंगे? ज़ीरो लगा के पेयर कर देंगे। पॉइंट के बाद अगर कोई अकेला रह जाए तो उसके आगे ज़ीरो लगा के उसको पेयरिंग कर देते हैं, ठीक है, और इधर ये ऐसे आ ही जाएगा अकेला, ठीक है। तो डेसिमल की पेयरिंग कैसे होती है? पॉइंट से चालू होती है, पॉइंट से इधर जोड़े बनाते जाओ, लास्ट में अकेला रह जाए तो ज़ीरो लगा के उसका जोड़ा पूरा कर दो और पॉइंट से इधर जोड़े बनाते जाओ, लास्ट में अकेला रह जाए तो उसको अकेला ही छोड़ दो, इसमें ज़ीरो लगाना नहीं, ध्यान रखना। ज़ीरो पॉइंट के बाद के डिजिट में ही लगा सकते, पॉइंट के पहले नहीं लगा सकते, ठीक है। तो पेयरिंग समझ में आ गई आपको कैसे करेंगे? तो अब अपन बात करें, अब वही करेंगे, अब आगे कुछ नहीं करना, आगे नॉर्मल वही जो अपन करते आ रहे वही करना है। सबसे पहला पेयर कौन हो गया? टू, बस। तो वन वनजा वन और टू टू ज़ा फोर ज़्यादा हो जाता है तो वन वनजा सॉरी वन आ जाएगा, तो माइनस करेंगे तो टू में से वन माइनस के तो क्या आएगा? वन, और ये पेयर एज इट इज़ उतरेगा। अब जैसे ही पॉइंट के बाद का पेयर उतर जाए, आप यहाँ पे भी क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो, जब तक नॉर्मल चलेगा चलता रहेगा, जैसे पॉइंट के बाद का पेयर उतरेगा तो वहाँ पे भी क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये वन प्लस वन कर देंगे तो कितना आ जाएगा? टू, इसमें इसको जोड़ के यहाँ पे लिखते हैं, यही कर देते हैं अपन। अब देखो टू के आगे फिर वही वन लगाऊंगा तो वन से मल्टीप्लाई करूँ 21, टू के आगे टू लगाऊंगा तो टू से इंटू करूँ 44, तो मुझे 156 चाहिए। तो देखो मेरे पास टू के आगे मैं 8 लगाऊं, आप बारी बारी करके देख सकते हैं रफ कॉपी में, तो देखो लास्ट में 6 है ना, तो 6 कब आता है? जब 2 को 8 से इंटू करते हैं तो 16 का 6 आता है, इसलिए मैंने 8 लगा दिया। तो 2 के आगे 8 लगा के मैंने 8 लगा के 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 लेकिन 8 में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 8 में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। तो मैं 2 के आगे 6 लगाता हूँ, देखो 2 के आगे 6 6 36 और 6 2 12 13 14 15, हाँ 6 पे आ गया, 8 पे नहीं आएगा, 6 पे आएगा, ठीक है। तो 2 के आगे 6 लगा के 6 से ही मल्टीप्लाई किया, तो मैं ये रफ वर्क को आपको मिटा देता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 156, और हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो गया? कट गया, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ तो नीचे रिमाइंडर रह जाएगा, वो रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में कभी भी कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा 6.4 में, ध्यान रखना, रिमाइंडर रह रहा तो आपकी गलती हो रही है, ठीक है। तो ऐसे 2.56 का अंडर रूट क्या आ गया? 1.6, ठीक है, समझ में गया। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, चलिए एक और ले लेता हूँ मैं, 51.84, ठीक है, इसका निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? वही करोगे 51.84, ठीक है, और पेयर बनाएंगे। तो पेयर मैंने बताया था कि पॉइंट से पेयर होता है, तो पॉइंट की इधर की तरफ जाएंगे तो ये एक जोड़ा बन गया, फिर ख़त्म, पॉइंट के इधर की तरफ जाएंगे तो ये एक पेयर बन गया, पॉइंट से इधर पेयर बनाते जाओ और इधर भी पेयर बनाते जाओ, ठीक है। अब अपन बात करें 51, तो ऐसा नंबर बताओ जिसको उसी से इंटू करने पे तो 51 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। तो 5 5 25 कम होता है, 6 6 36 कम होता है, 7 7 49 थोड़ा सा पास है, और 8 8 64 क्या हो गया? 51 से ज़्यादा हो गया, यानी मुझे लेना पड़ेगा 7 7 49, यानी 7 का स्क्वायर लेंगे तो 51 से जस्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 7 7 49, अब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2, ठीक है। अब इसके बाद में इसको उतारेंगे, और जैसे ही पॉइंट के बाद का डिजिट उतर गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और अगला डिवाइड, तो 7 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 14, 7 में 7 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है, 14 आ जाएगा। अब 14 के आगे वही लगाएंगे, एक डिजिट लिखेंगे और उसको उसी से इंटू करेंगे, तो 1 लगाऊं और 1 से करूं तो आ जाएगा 141, 2 लगाऊं तो 2 से करूं तो 2 2 4 2 4 8 2 1 2, तो आ गया 284 ही चाहिए, यानी 142 के आगे 2 लगा के आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 284, ये आ गया आपका। तो यानी कि आपका 51.84 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 7.2। तो इस तरीके से आप डेसिमल नंबर्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज
थर्ड का पार्ट है, ठीक है, थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपसे इसीलिए आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक छोटा सा पार्ट और है कि मान लो कोई नंबर है 2, 3, 6, 4, 2, वो ये पूछे कि बताओ इसका अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो आंसर कितने डिजिट का आएगा। सिर्फ डिजिट्स पूछे कि भाई कितने डिजिट का, सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ डिजिट्स पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करो, आप पीछे से दो दो के पेयर बना लो, जितने पेयर बने उतने डिजिट का आंसर आएगा। तो 1, 2 और ये अकेला रहेगा तो ये पेयर के रूप में, तो इसके स्क्वायर रूट का आंसर कितने का आएगा, 3 डिजिट का आएगा। बात बोले कि जैसे मान लो आपको कहे कि 625 का अगर आप स्क्वायर रूट करो तो कितने डिजिट का आंसर आएगा, तो आप एक पेयर ये बन गया और एक ये पेयर बन गया, तो यानी कितने डिजिट का आएगा, 2 डिजिट। तो आप बराबर में लिख दोगे इसका स्क्वायर रूट कितने का आ जाएगा, 3 डिजिट्स का नंबर ऑफ डिजिट्स, और इसमें कितना आएगा, 2 डिजिट। आपके क्वेश्चन नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, मैं समझा रहा हूँ आपको कि सिर्फ आपको ये बताना है कि कितने डिजिट का स्क्वायर रूट आंसर आएगा। आपको बोल दे 5, 4, 2, 9, तो इसके स्क्वायर रूट का आंसर कितने डिजिट का आएगा, तो पेयर बनाओ 1, 2, तो एक पेयर का मतलब एक डिजिट होता है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यानी कितने का आएगा, 2 डिजिट्स का आएगा। कोई कहे 2, 3, 6, 4, 9, 2, ठीक है, तो इसके स्क्वायर रूट का आंसर कितने डिजिट का आएगा, तो पीछे से पेयर बनाओ 1, 2, 3, क्योंकि पीछे से अभी इसलिए बनेगा क्योंकि डेसिमल नंबर नहीं है, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, तो यानी कितने डिजिट का आएगा, 3 डिजिट्स का आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके 6.4 में क्वेश्चन नंबर 6.4 में क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया। मैंने फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड, मैंने शुरू में जो आपके एक 2304 और दो क्वेश्चन किए ना 529, तो उससे आप ये लॉन्ग डिवीजन से कर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन मैंने अभी आपको सिखाया कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, कितने डिजिट्स हैं, तो जैसे 64 है, 64 में एक ही पेयर बनेगा तो एक ही डिजिट का आएगा। 144 में तो पीछे से पेयर बनाओ तो 44 का पेयर बन जाएगा, फिर 1 अकेला रह जाएगा, तो यहाँ पे 2 डिजिट का आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। और अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर डेसिमल वाला है ये, अपन आराम से हो ही जाएगा अपना। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एडिड और सब्ट्रैक्टेड का क्वेश्चन है, तो अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 सीखेंगे। तो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो आपको ये 402, 1989, 3250, 825 और 4000, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी ये किसी को मल्टीप्लाई करने पे नहीं बनते। लेकिन अगर हम इनमें से कितना माइनस कर दें, कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन में, कि किससे मल्टीप्लाई कर देगी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या किससे डिवाइड कर देगी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वैसे ही ये एडेड और सब्ट्रैक्टेड के क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन में आते हैं, और वो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट 402 में आपको, या फिर सेकंड पार्ट ले लेता हूँ 1989, ये मैं आपको करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट 1989, क्वेश्चन की जो हेडिंग है काफ़ी बढ़िया, आप सारा पढ़ लेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है कि 1989 में से क्या सब्ट्रैक्ट, मतलब क्या माइनस कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, उसी से मल्टीप्लाई करने पर 1989 नहीं आता, किसी भी नंबर का स्क्वायर 1989 नहीं होता, ठीक है, ये नहीं है। तो अपन इसमें क्या माइनस कर दें, तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि क्या माइनस कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या क्या जोड़ दें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, 1989 पे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देते हैं। ये दो दो के पेयर बना दिए पीछे से, ठीक है। पहला 19 है, तो 3, 3 जै 9, 4, 4 जै 16, 5, 5 जै 25, ज़्यादा हो जाएगा 90 से, तो 4, 4 जै 16 माइनस करूँ तो 19 में 16 माइनस किया 3, अभी पेयर पूरा एज इट इज़ हो जाएगा 89, 4 में 4 को जोड़ दे तो कितना गया 8, ठीक है। अब मैं 8 के, अब मुझे 8 के आगे कुछ ऐसा नंबर रखना है उसको उसी से मल्टीप्लाई करने की, या तो 389 आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो देखो 389 तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। परफेक्ट स्क्वायर हो ये, जब भी एक हमारा क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर होगा पहले से, तब यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर करके रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन अब रिमाइंडर बचेगा। तो देखो मैं 8 के आगे 3 लगाता हूँ, 3 × 3 कर दो, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, 249 अभी 389 से छोटा है, तो 4 लगाता हूँ,
एट के आगे फोर लगा के फोर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर एट जा थर्टी टू, थर्टी थ्री अभी भी छोटा है। फाइव लगाता हूँ, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव एट जा फोर्टी, फोर्टी टू, फोर टू फाइव, अभी फोर टू फाइव थ्री एट नाइन से क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी कि ये तो गलत हो गया, यानी मुझे कहाँ तक लेना है, एट फोर इंटू फोर तक लेना है, इसमें पूरा आंसर नहीं आया, तो एट के आगे फोर लगाऊंगा और फोर से मल्टीप्लाई करूंगा, एट्टी फोर, फोर जा तो आंसर कितना आएगा आपका, थ्री थ्री सिक्स। एक बार रफ वर्क को मैं हटा देता हूँ, आपका रफ वर्क है तो थ्री थ्री सिक्स आ गया। अब कर देंगे अपन माइनस, तो नाइन में से सिक्स काटा थ्री, एट में से थ्री काटा फाइव, थ्री में से थ्री काटा जीरो, तो रिमाइंडर कितना बच गया, अब आगे उतारने के लिए कुछ है भी नहीं और रिमाइंडर कितना बच गया, 53, ठीक है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो रिमाइंडर कभी भी नहीं बचता, आपके क्वेश्चन नंबर वन में, क्वेश्चन नंबर थ्री में कभी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 6.4 में ध्यान रखना रिमाइंडर बच रहा था, आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो 53 आ गया, तो जो आप सोचो अगर इस नंबर में 53 एक्स्ट्रा है इसलिए नहीं हो पा रहा, तो यानी अपन इस 53 को ही क्या करेंगे, इस 1989 से माइनस कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो वी विल सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 1989 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 53 माइनस कर देंगे किससे, 1989 से, समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा 1989 माइनस 53, 53 माइनस करके देख लो तो ये आ जाएगा 1936 आ जाएगा, ठीक है। और 1936 जो आ जाएगा उसका अब अंडर रूट अगर अपन निकाले, स्क्वायर रूट निकाले सॉरी, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, जो आपके ऊपर नंबर बना था, ऊपर क्या बना था 44, तो इसका आंसर क्या होगा 44। यानी कि जब भी क्वेश्चन आ जाए कि हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप लॉन्ग डिवीज़न लगा दो और जो आपका रिमाइंडर आ रहा है उसी को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और कर देता हूँ, तो मैंने आपके लिए ले लिया क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पहला पार्ट 402, कि 402 402 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 402 में लॉन्ग डिवीज़न लगाऊँगा, पीछे से बनाऊँ, ये पेयर बन गया, ये अकेला पेयर बन गया, ठीक है। तो फोर, तो ये तो सीधा का पूरा आ गया, टू टू ज़ा फोर आ गया, सॉरी यहाँ पे लाइन नहीं आनी चाहिए, टू टू ज़ा फोर आ गया, तो अब माइनस करूँ तो कितना आएगा, ज़ीरो, और ये पेयर ज़ीरो टू एज इट इज़ नोट कर दिया, ठीक है। और अगला डिवाइड किस में दूंगा, टू टू ज़ा फोर में दूंगा, टू में से टू में टू ऐड कर दिया तो कितना आ गया, फोर। अब देखो फोर से डिवाइड देना, और ये क्या है, ज़ीरो ज़ीरो टू, ज़ीरो ज़ीरो टू का मतलब क्या होता है, टू ही होता है, क्योंकि नंबर के पहले ज़ीरो होता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता, तो ज़ीरो ज़ीरो टू का मतलब क्या हो गया, टू। अब आपको डिवाइड देना है फोर से और आगे टू, आप फोर के आगे अगर वन भी लगा दोगे तो 41 ज़्यादा आएगा, यानी कि हमारा उतारा हुआ जो पेयर है वही छोटा रह गया, अभी यहाँ क्या हुआ, उतारा हुआ पेयर ही छोटा रह गया, और जब उतारा हुआ पेयर ही छोटा रह जाए तो यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एक ज़ीरो, जब भी उतारी हुई चीज़ ही रिमाइंडर बन जाए, छोटी रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चलेगा ही नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगली बार अपन टू में टू ऐड करके फोर से देंगे तो फोर से तो टू से वैसे ही बड़ा हो गया, तो आगे वन भी लगाओगे तो 41 तो बनेगा बनेगा, तो टू तो वैसे छोटा हो गया, ठीक है। तो जब भी ये ध्यान रखना, नई चीज़ है, बिल्कुल अलग, अच्छा हुआ इस क्वेश्चन में ये पार्ट आ गया, कि जब भी उतारा हुआ पेयर छोटा रह जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे एक ज़ीरो लगा देना, और यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, तो आ जाएगा सो वी विल सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम 402, तो 402 में क्या माइनस कर देंगे, टू माइनस कर देंगे, टू में एक परफेक्ट स्क्वायर आप खुद लिख लेंगे, तो 402 में टू माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 400, और जो 400 है ये अब एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका रूट क्या हो जाएगा, जो आपने ऊपर बोला है क्या हो जाएगा, 20, और पता है 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आता है। पर ये ध्यान रखिएगा, जब भी उतारा हुआ पेयर रह जाए तो यहाँ पे ज़ीरो लगता है, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे। तो क्वेश्चन बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हो चुका है, आप इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कॉपीज़ में करेंगे, यही आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 पूरे के पूरे सारे के सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं बाकायदा अच्छे से, वीडियो को चाहे 2-3 बार देख लो आप, या फिर एक क्वेश्चन को समझ के उसके सारे कर लो, फिर दूसरे क्वेश्चन को समझ के उसके सारे कर लो, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लास थोड़ा अपने इसके पार्ट ज़्यादा हो रहे हैं, मैंने सोचा था कि आज आपको ख़त्म कर दूंगा चैप्टर, लेकिन 25 मिनट का वीडियो हो चुका है अभी भी, तो इससे ज़्यादा फिर अपन लिए कंपेटेबल नहीं रहेगा। तो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये चारों क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं। और 5 से 5, 6, 7, 8 जो आगे के क्वेश्चंस हैं उसको आपको अगली क्लास में सिखाया जाएगा, और अगली क्लास में 100% आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतने बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपके जो डाउट्स। एक आध बच्चे ने मेरे से डाउट्स भी पूछे हैं इसी एक चैप्टर में, एक्सरसाइज सेकेंड या फर्स्ट का डाउट पूछा था, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे, अच्छा लगा। तो आप सभी बच्चों को जो भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप ग्रुप में लिख के हमसे पूछिए, लेकिन डाउट सही होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप उठा के कुछ भी पूछोगे। आपको पहले वीडियो को अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना, उसके बाद डाउट आ रहा था आप पूछें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।